जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। बहावलपुर की फजा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 तक पहुंच गया। स्मोक की मुसलसल लहर से सांस और एलर्जी के मरीजों के लिए मुश्किल। महकमा माहौलियात की कार्रवाइयों के बाद भी स्मोक की शिद्दत में कमी ना आ सकी। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात को हालिया बारिश से स्मोक की लहर में कमी की उम्मीद है। जनूबी पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां होंगी या नहीं, बैनल सूबाई वज़राए कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। मुल्क भर के वज़राए तालीम वीडियो लिंक से शरीक होंगे। तालीमी इदारे बंद करने के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन और तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर का फैलाव खतरनाक। नश्तर अस्पताल मुल्तान में एक और मरीज जान के बाजी हार गया। अमवात की मजमू तादाद 213 रिकॉर्ड हुई। 9 मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल। बहावलपुर में कोरोना का एक मरीज जान बहक। 2 रोज के दौरान मजीद 47 नए केसेज रिपोर्ट हुए। रहीमिया खान में 5 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। शेख जैद मेडिकल कॉलेज के 2 तलबा का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर सेकेंड और फोर्थ ईयर की क्लास आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। सरगोधा में 22 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। तादाद 218 तक पहुंच गई। इंतजामिया की नाअहली या आदम दिलचस्पी। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया में कोरोना फिल्ट्रेशन क्लिनिक कायम ना हो सका। कोरोना हाई डिपेंडेंसी भी गैरफाल। कोरोना के शुबे में आने वाले मरीजों को शोबा इमरजेंसी में रखा जाने लगा। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी ने कोरोना HDU यूनिट ना होने से मसाइल बढ़ने की तस्दीक कर दी। डीजी खान में एंटी स्मोक मुहिम कमजोर। देही इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी। चौकुरेशी रोड पर फसलों की बाकियात को आग लगाने से हर तरफ धुआं। मकीनों के लिए सांस लेना भी मुश्किल। पुलिस और जिलाई सर्वेलेंस टीमें बेखबर। आग लगने के बाकियात से स्मोक फैलने का खदशा। मुल्तान में सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। इंतजामिया सरकारी नखनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। आलू का हुकूमती रेट 44, मार्केट में 70 रुपए में बिकने लगा। प्याज 68 की बजाय 90, टमाटर 154 की बजाय 180 रुपए, अदरक 528 की बजाय 600 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। सर्दी आते ही गैस की लोड शेडिंग ने चूल्हे ठंडे कर दिए। खानेवाल में गैस की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग शुरू। सारिफीन बेहाल। खवातीन के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया। गैस बंदिश और प्रेशर में कमी का नोटिस लेने का मुतालिबा। कोटाबाद शहर का मेन रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। हादसा भी मामूल, शहरी परेशान। इंतजामिया से नोटिस लेकर सिंगल रोड को डबल करने का मुतालबा कर दिया। मियावाली में बादल बरसे, कई घंटे गुजर गए। जनरल बस स्टैंड पर ताहाल बारिशी पानी जमा। शहरियों और मुसाफिरों को मुश्किलात। कहते हैं बस स्टैंड का काम शुरू होने लगे तो दुकानदार स्टे लेकर आते हैं। आला हुकाम नोटिस लेकर मसला हल करने का मुतालबा। डीजी खान में बैनल सुबाई कोयटा रोड ताहाल ब्लॉक, कई घंटे गुजर गए, रोड बहाल ना हो सका। बवाडा से पोर्टमनरू घर तक बदतरीन ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बलोचिस्तान से पंजाब सफर करने वाले मुसाफिरों को बवाटा रोड पर फंसा दिया गया। बैनल सुबाई कोयटा रोड पर गुज़िश्ता रात तारकोल का ट्रक गिर गया था। मियावाली में एक ही रात में 12 दुकानों पर चोरी का मामला। डीएसपी सदर शौकत अली का चोरों का सुराग लगाने का दावा। बोले कि पुलिस चोरों के करीब पहुंच चुकी है, अगले चंद रोज तक चोर पुलिस के कब्जे में होंगे। डेरा गाजी खान में 14 अफराद की जानिब से घर गिराने का मामला। सरबरा BMP कमांडेंट हमजा सालिक के खिलाफ शहरी अदालत पहुंच गया। इल्जाम आयद किया कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को इत्तला दी मगर सुनवाई ना हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दरखास्त समाप्त के लिए मंजूर कर ली। कमांडेंट BMP हमजा सालिक रिकॉर्ड समेत तलब। गुस्ताखाना खाकों के अशात पर मुल्तान और मियावाली के आवाम का गहरी तश्वीश का इजहार। ऑल पाकिस्तान पावरलूम्स एसोसिएशन की हड़ताल। मुल्तान में चौक मंजूराबाद के नामुरसे रिसालत रैली का इनेकाद। उधर मियावाली में भी जमात अहले सुन्नत की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। फ्रांस से सिफारती और तजारत ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। 300 साल कदीमी शहर फरीद के लाशों का अपना ही मयार।
दौरे जदीद में हाथ की मदद से तैयार किए जाने वाले लाचे लोगों की अहमियत का हामिल करार दे दिए गए। चिश्तिया में रंग बिरंगे धागों से चिलमिलाते हुए लाचों की तैयारी, शादी ब्याह के रस्म रिवाज के लिए आज भी बेहद पसंद किए जाते हैं। हिम्मत, हौसला और लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। 45 साल नसरीन और 40 साल मरियम बीबी खवातीन के लिए मेहनत की आला मिसाल बन गई। मुल्तान की बाहिम्मत खवातीन 30 साल से बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरों की तरह मजदूरी करने पर मजबूर, दोनों खवातीन की जानिब से मर्दों की तरह मेहनत करने पर भी बराबर भी मुआवजा नहीं मिलना।